तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन हो रही होती है, सबसे ज्यादा उसके साइज की बेस के ऊपर हम कर रहे होते हैं और उसकी प्रोसेसिंग पावर की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। एक आपके पास है कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूजर्स, सेकेंड आपके पास है कंप्यूटर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल यूजर्स में आपके पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपका सिंगल यूजर यूज करता है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल यूजर हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो एक टाइम पर आपका एक यूजर जो है उसके ऊपर वर्क कर सकता है। कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसके ऊपर आपके मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो टास्क कर रहे होते हैं या प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं एट ए सेम टाइम। अब सबसे पहले जो है हम इंडिविजुअल यूजर्स में देख लेते हैं कि कौन से कंप्यूटर्स हैं जो आप इंडिविजुअल यूजर में जो है आप यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो एक पर्सन यूज कर रहा होता है एट वन टाइम वो हमारे पास कहलाते हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। अब इंडिविजुअल यूजर कंप्यूटर जो है आपके पास, आप रियल लाइफ में आप इसको देख सकते हैं कि जो आपका घर पे कंप्यूटर है या जो आपके लैब में कंप्यूटर मौजूद हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हैं इंडिविजुअल कंप्यूटर्स की। अब आपके पास ये जो लैब में कंप्यूटर मौजूद होता है उसको डिफरेंट यूजर यूज करते हैं, लेकिन एक टाइम पर उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल यूजर यूज करता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है इंडिविजुअल यूजर की। अब आगे उसकी फर्दर टाइप्स बताई हुई हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास इंडिविजुअल कंप्यूटर्स की। नंबर वन हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके बाद हमारे पास है वर्क स्टेशन, नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड एम्बेडेड कंप्यूटर। तो सबसे ज्यादा जो है आपको जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं इसको आप पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को आप पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं और आप इसको माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपके पास कंप्यूटर्स जिनको आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं या जो माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, वो आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल कंप्यूटर की जो हमारे पास एक टाइप है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। और सबसे ज्यादा जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं इन्हीं को आप पर्सनल कंप्यूटर कह रहे होते हैं या आप इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर को देख लेते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपका एक यूजर एक टाइम पे यूज कर रहा होता है, लेकिन आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये आपका एक टेबल के ऊपर जो है वो सेट किया हुआ होता है कि आप इस कंप्यूटर को अपने टेबल के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है कि आपके जो स्कूल्स हैं, होम्स हैं, ऑफिसेज हैं, तो जो उसके लैब्स में कंप्यूटर मौजूद हैं वो आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की। अब आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं ये पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर्स जो आपके प्रीवियस जनरेशन्स में, जो प्रीवियस ईयर्स में जो आप कंप्यूटर्स यूज कर रहे थे, एज कम्पेयर टू दोज कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स को अगर आप कंपेयर किया जाए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ, तो आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टर हैं। बट हमारे पास जो इस वक्त हमारे जो अदर कंप्यूटर्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए, तो इस वक्त आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं ये आपके लेस पावरफुल हैं एज कंपेयर टू अनदर न्यू कंप्यूटर्स। अब हमारे पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में दो मॉडल्स हमारे पास यूज हो रहे हैं, दो डिजाइन हमारे पास यूज हो रहे हैं, वो हमारे पास है, नंबर वन है आपके पास हॉरिजेंटल ओरिएंटेड सिस्टम एंड सेकेंड वन इज वर्टिकली ओरिएंटेड टॉवर मॉडल। ये आपके पास दो मॉडल्स हैं जो आपके पास सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में। पहला हमारे पास है हॉरिजेंटल ओरिएंटेड सिस्टम। अब हॉरिजेंटल कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास क्या होता है, आपका जो सिस्टम यूनिट है
और आपका जो मॉनिटर होता है आपके सिंगल डिवाइस बने हुए होते हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम यूनिट है और आपका जो कंप्यूटर है वो कंबाइन होते हैं हॉरिजेंटली, ठीक है। एक डिवाइस के तौर पे आपके वर्क कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऐसा सिस्टम जो आपका टेबल के ऊपर ही हॉरिजेंटल आपका सिस्टम यूनिट पड़ा हुआ होता है, और सिस्टम यूनिट के ऊपर ही जो है आपका कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो फिक्स होता है। तो ऐसा जो डिजाइन है वो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर का वो कहलाता है हॉरिजेंटल ओरिएंटेड सिस्टम। हमारे पास जो दूसरा मॉडल है वो है हमारे पास वर्टिकली ओरिएंटेड टॉवर मॉडल। ये कंप्यूटर्स आप लोगों ने अपने घरों में देखे हुए होंगे कि हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिसका राइट साइड पर जो है सिस्टम यूनिट पड़ा हुआ होता है सेपरेटली, और सिस्टम यूनिट के साथ जो है आपके पास पड़ा हुआ होता है मॉनिटर। तो ये आपके पास सेकंड मॉडल है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का। तो बोथ मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट आर प्लेस ऑन द टेबल बट सेपरेटली। दोनों आपके टेबल पे पड़े हुए होते हैं लेकिन सेपरेटली पड़े हुए होते हैं। अब इन दोनों को जो है इसको जो हम यूज कर रहे हैं इनमें एक जो आपका जो हॉरिजेंटल ओरिएंटेड सिस्टम है इसमें आपका ये इशू आता है कि आपका जो सपोज करें अगर आप में कोई इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है आपके सिस्टम यूनिट में, क्योंकि आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो इस हॉरिजेंटल आपका जो हॉरिजेंटली आपका सिस्टम यूनिट पड़ा होता है वो सारे के सारे जो है इसके अंदर कनेक्ट होते हैं। अब अगर आपके इस सिस्टम यूनिट में कोई फॉल्ट आ जाए या आपको अगर इसको रिपेयर करवाना पड़ जाए या आप उसकी आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो इश्यू आपका अब यहाँ पर ये आएगा कि आपका जो मॉनिटर है उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा सिस्टम यूनिट से। एज कंपेयर टू वर्टिकली ओरिएंटेड टॉवर मॉडल, यहाँ पर आपका कोई इश्यू आता है तो आप सिस्टम यूनिट के अंदर ही उसको करेक्ट कर लेंगे, आपको मॉनिटर को जो है वो मूव नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आपके पास जो मॉडल इस वक्त यूज हो रहा है वो है आपका टॉवर मॉडल। हमारे पास जो अनदर कैटेगरी है इंडिविजुअल यूजर कंप्यूटर्स की वो है हमारे पास वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन और डेस्कटॉप कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों कंप्यूटर्स हमारे पास सेम है। जो हमारे पास डिफरेंस आता है इन दोनों कंप्यूटर्स में वो आता है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड का। जिस तरह आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं उसी तरह से आपके वर्क स्टेशन यूज होते हैं। डिफरेंस इसमें ये आता है कि वर्क स्टेशन को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए होती है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास जो वर्क स्टेशन हैं ये सबसे ज्यादा जो हमारे पास पॉपुलर हैं जो यूज करते हैं हमारे वर्क स्टेशन को वो हैं हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, ग्राफिक आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट्स। तो ये आपके पास यूजर हैं वर्क स्टेशन के। अब आपको पता है कि जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं या ग्राफिक आर्टिस्ट हैं हमारे पास या जो आर्किटेक्ट्स हैं इनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उनको प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है। तो जो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन करने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो प्रेफर करते हैं कि हम ऐसी डिवाइसेस को यूज़ करें जो फास्टर हों और हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को जो है फास्टली परफॉर्म कर दें। तो वर्क स्टेशन हमारे यूज होते हैं साइंटिस्ट, इंजीनियर्स यूज करते हैं, या आपके पास जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, ये यूज करते हैं। दीज आर सिमिलर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बट मोर इन प्रोसेसिंग पावर एंड परफॉर्मेंस। तो जो आपके वर्क स्टेशन होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ, लेकिन जो इसमें फर्क आ रहा है, जो इसमें डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस आता है इसकी प्रोसेसिंग पावर एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। जो हमारे पास अनदर कैटेगरी है नोटबुक कंप्यूटर की वो है हमारे पास जो हमारे पास अनदर कैटेगरी है इंडिविजुअल यूजर कंप्यूटर्स की वो है हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर्स हमारे पास आपको इसके नेम से आइडिया हो रहा होगा कि हमारे पास इंडिविजुअल यूजर हमारे पास जो है नोटबुक कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो नोटबुक की साइज का होगा, ठीक है।
तो नोटबुक कंप्यूटर हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे पास जो है नोटबुक के साइज के होते हैं, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर में जो हमारे पास सबसे ज्यादा फेमस मॉडल जो है या फेमस कंप्यूटर जो है जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर। ये जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं इसको आप नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं या इसको आप लैपटॉप कंप्यूटर्स भी कह लेते हैं। अब जो आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनको आप पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। पोर्टेबल क्यों कहते हैं? पोर्टेबल का मतलब ये होता है मूवेबल। आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या आपके वर्क स्टेशंस हैं उनको आप मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपके जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनको आप इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपके जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, इनको आप पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इट हैज इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल यूनिट। आपका जो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है और प्रोसेसिंग है, आपके जो लैपटॉप होता है आपका वो सिंगल यूनिट होता है। तो ये जितनी भी आपके जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होता है या हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी हमारे पास जो इनपुट होती है हमारी जो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रही होती है वो आपका सिस्टम आपका जो सिंगल यूनिट है सिंगल यूनिट के थ्रू जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। अब इसकी जो पोर्टेबिलिटी है कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये आप कंप्यूटर जो है इनको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपके घर में आप इसको यूज कर सकते हैं, ऑफिस में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्लासरूम में जो है आपको इसको एजुकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ट्रेवल में यूज कर सकते हैं और बिजनेस मैन इसको यूज कर रहे होते हैं और सेल्स पर्सन जो है अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसको यूज कर सकता है। तो ये पोर्टेबिलिटी की वजह से इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हमारे इंडिविजुअल कंप्यूटर्स का। अब इसका एक पॉजिटिव बताया हुआ है कि हमारे पास जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन जो हैं वो आपकी बहुत ज्यादा जो है वो ले रहे थे, पावर ले रहे थे, लेकिन आपके जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं एक तो आपके ये पोर्टेबल होते हैं, प्लस जो है ये आपकी जो उसकी पावर होती है इलेक्ट्रिसिटी होती है ये कम ले रही होती है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन। आपके जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर बैटरी होती है और बैटरी के थ्रू जो है आप उसको इजिली वर्क कर सकते हैं विदाउट कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई। इसके अलावा जो है आपके जो नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं इसके अंदर आपके पास एक वायरलेस फीचर होता है जिसकी हेल्प से जो है आप इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से ऑन अ नेटवर्क। इसकी वर्किंग बताई हुई है कि यूज के दौरान जो है आप इसके लिड को रेज करते हैं, इसका मॉनिटर का जो है उसको ऊपर कर लेते हैं और उसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड और टच पैड, और जब आप उसको यूज कर लेते हैं तो आप उसको फोल्ड कर कर क्लोज कर लेते हैं। तो ये आपके पास है नोटबुक कंप्यूटर की वर्किंग। अनदर कंप्यूटर जो आपके पास है जो आप यूज कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल यूजर कंप्यूटर वो हमारे पास है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर्स आप लोगों ने यूज किए हुए होंगे, तो टैबलेट कंप्यूटर्स हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपका इंडिविजुअल यूजर जो है सिंगल यूजर एक टाइम पर यूज कर रहा होता है। अगर आपने किसी सेकंड पर्सन उसको यूज करना चाह रहा है तो वो वेट करेगा, वेट करने के बाद अनदर टाइम पर जो है आपका अनदर यूजर उसको यूज करेगा, लेकिन एक टाइम पर उसको सिर्फ एक यूजर यूज कर सकता है। तो ऐसे कंप्यूटर्स हमारे पास कहलाते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स। आपके जो टैबलेट्स कंप्यूटर्स होते हैं या आपके फुली फीचर्ड कंप्यूटर्स होते हैं, आपके जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है या आपके जितने भी टास्क होते हैं जो आप कंप्यूटर्स में कर रहे होते हैं वो सारे के सारे टास्क जो हैं आप टैबलेट में भी परफॉर्म कर सकते हैं विद पोर्टेबिलिटी। अब इनपुट का बताया हुआ है कि आपके जो टैबलेट कंप्यूटर्स होते हैं एक तो आप इसके ऊपर इनपुट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन कीबोर्ड। आपकी जो स्क्रीन है आपका जो ये टच स्क्रीन है, आपके जो टैबलेट्स होते हैं ये आपके टच स्क्रीन होते हैं, आप इसके जो टच स्क्रीन के ऊपर जो है आपका बिल्ट इन कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड के थ्रू जो है आप अपनी इनपुट करते हैं
या आपके पास कुछ टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है आपको एक स्पेशल पेन दिया हुआ होता है। उस पेन के थ्रू जो है आप उसकी स्क्रीन को टच करते हैं और टच करके जो है आप उसमें इनपुट सबमिट करते हैं। तो ये जो आपके पास एक स्पेशल पेन टाइप डिवाइस होती है, इसको आप कहते हैं स्टाइलस कह लेते हैं या उसको डिजिटल पेन कहते हैं। तो स्टाइलस हमारे पास क्या होता है, पेन टाइप ही हमारे पास एक डिवाइस होती है जो हमारे टैबलेट्स में यूज हो रही होती है इनपुट लेने के लिए। उसके बाद जो है आपके जो टैबलेट्स हैं, आपके टैबलेट्स भी हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। नंबर वन है आपके पास स्लेट टैबलेट एंड सेकेंड वन इज कन्वर्टेबल टैबलेट। अब स्लेट टैबलेट हमारे पास ऐसे टैबलेट्स होते हैं जिनके साथ कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता, बट उनकी स्क्रीन में जो है कीबोर्ड्स होते हैं, उनकी जो टच स्क्रीन होती है उसके अंदर कीबोर्ड मौजूद होता है जिसकी हेल्प से जो है आप इनपुट ले लेते हैं यूजर से। या हमारे पास अनदर फीचर, हमारे पास जो एडवांस लैपटॉप, हमारे पास टैबलेट्स आए हुए हैं, आप वायरलेसली जो है फिजिकल कीबोर्ड्स को भी जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ और वायरलेस। ब्लूटूथ की हेल्प से जो है आप वायरलेसली कंप्यूटर को विदाउट वायर्स जो है आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं टैबलेट के साथ। एक आपके पास जो ये आपके पास ये टाइप है टैबलेट की, वो हमारे पास है स्लेट टैबलेट। दूसरा, आपने देखा होगा कि कुछ आपके लैपटॉप आपके टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है कीबोर्ड्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं। जब आपने उन कीबोर्ड के ऊपर वर्किंग करनी होती है तो आपका जो फोल्ड किया हुआ होता है कीबोर्ड, उसको आप फोल्ड आउट करते हैं और उस कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं। तो ऐसे टैबलेट्स जिनके साथ हमारे फोल्ड आउट कीबोर्ड्स मौजूद होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसे टैबलेट्स जो आपके पास इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं नोटबुक में, स्टैंडर्ड नोटबुक्स में, तो वो हमारे पास कहलाते हैं कन्वर्टेबल टैबलेट। उसके बाद हमारे पास जो इंडिविजुअल यूजर की अनदर कैटेगरी है वो है हमारे पास इंडिविजुअल यूजर्स। इंडिविजुअल यूजर्स की जो हमारे पास अनदर कैटेगरी है कंप्यूटर्स की, वो है हमारे पास हैंड हेल्ड पीसीज। जो हमारे पास हैंड हेल्ड पीसीज होते हैं वो हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं जो आपके इनफ टू फिट इन योर हैंड। ठीक है, हमारे पास एक ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो आपके हाथ में जो है वो इजिली फिट हो जाती है, या जो आपके हाथ के साइज की होती है वो आपके पास कहलाती है हैंड हेल्ड पीसीज। हमारे पास जो हैंड हेल्ड पीसीज होते हैं वो स्पेशल जो आपके टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं हैंड हेल्ड पीसीज को। सबसे ज्यादा जो आपके हैंड हेल्ड पीसीज हैं ये हमारे यूज करते हैं मोबाइल एम्प्लॉयज। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अपने स्पेसिफिक टास्क जो हैं, स्पेशल एप्लीकेशन जो हैं उन्होंने उसमें रन कर रहे होते हैं और अपने स्पेसिफिक टास्क जो हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो यूज करती हैं हमारे पास हैंड हेल्ड पीसीज। सच एज पार्सल डिलीवरी पीपल हैं हमारे पास, जो पार्सल डिलीवरी जो बॉय होता है हमारे पास, या जो पार्सल डिलीवरी पर्सन होता है जो आपको डिलीवरी करता है पार्सल की, तो आप लोगों ने नोट किया होगा उसके हाथ में एक डिवाइस होती है जिसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन होती है जिसको वो डिलीवर करने आया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हैंड हेल्ड पीसीज में आपके पास टेलीफोन नंबर मौजूद होता है या उसका एड्रेस मौजूद होता है। और ये जो आपके पास हैंड हेल्ड पीसीज होते हैं आप इनको जो है वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के साथ, आप वायरलेसली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपके जो हैंड हेल्ड पीसीज होते हैं इनके अंदर भी है आपके पास कीबोर्ड्स, जो है आपके पास कीबोर्ड मौजूद होते हैं, या आपके जो हैंड हेल्ड पीसीज होते हैं
रिटचेबल भी होते हैं, और या आप इनके साथ भी आपको स्टाइलस पेन मौजूद होता है जो आप यूज करते हैं एज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, आपके भी जो हैंड हेल्ड पीसीज होते हैं, ये हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो हम स्पेशल एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, या हमारे स्पेशल टास्क होते हैं उन सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को यूज करने के लिए जो कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं हैंड हेल्ड पीसीज। तो हमारे पास हैंड हेल्ड पीसीज ऐसे पीसीज होते हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ टास्क कंप्लीट नहीं करते, सिर्फ स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करते हैं, इसलिए हमारे पास ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो स्पेशल पर्पस के लिए आपके जो हैंड हेल्ड पीसीज होते हैं इनके अंदर जो है स्पेशल एप्लीकेशंस यूज की हुई होती हैं, और इनपुट अगर आपने लेनी है हैंड हेल्ड पीसीज के ऊपर, इनपुट के लिए आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो हैं इसमें कीबोर्ड है, टच स्क्रीन है एंड स्टाइलस पेन है। हैंड हेल्ड पीसीज जो हैं ये आपके ज्यादा फेमस नहीं है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स, ये हमारे बहुत ज्यादा फेमस नहीं है जितना आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या नोटबुक कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो हैंड हेल्ड पीसीज हैं ये बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे, उसकी रीजन ये है कि आपके जो हैंड हेल्ड पीसीज हैं ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं या सिर्फ स्पेशल एप्लीकेशन भी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जबकि जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं या जो हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए आपके जो हैंड हेल्ड पीसीज हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। उसके पास जो अनदर कैटेगरी है हमारे पास इंडिविजुअल यूजर कंप्यूटर्स की, वो है हमारे पास स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी हमारे पास ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ही होता है, कंप्यूटर की ही हमारे पास एक टाइप होती है स्मार्टफोन्स। और ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ जो उसकी प्रोसेसिंग है या ऑल टाइप्स ऑफ टास्क जो हैं जो हमें एक कंप्यूटर के ऊपर, हमें एक वर्क स्टेशन के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे काम जो है आपका स्मार्टफोन भी परफॉर्म करता है। तो इनपुट डाटा, मैनी स्मार्टफोन्स हैव टच स्क्रीन्स टू इनपुट डाटा बाय फिंगर्स और बाय स्टाइलस और बाय बिल्ट इन मिनी कीबोर्ड। तो इनपुट के लिए आपके मोबाइल में भी, आपको पता है आपके जो मोबाइल हैं ये जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं इसमें अगर आपने कुछ इनपुट देनी होती है, आपके जो बिल्ट इन कीबोर्ड्स होते हैं मिनी कीबोर्ड्स, आप उनकी हेल्प से भी आप अपना डाटा को इनपुट कर सकते हैं, या जो है आप स्टाइलस की हेल्प से भी उसके अंदर इनपुट दे सकते हैं। स्टाइलस जो है आपके पास डिजिटल पेन होता है, जो कुछ हमारे स्मार्टफोन्स हैं उन स्मार्टफोन्स के साथ जो है आपको एक डिजिटल पेन भी दिया जाता है, तो उस डिजिटल पेन की हेल्प से जो है आप इनपुट दे सकते हैं स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन में जो हम इनपुट के लिए हमारे पास वेज यूज कर रहे हैं, एक तो आप फिंगर्स के थ्रू कर रहे होते हैं इनपुट, या आप स्टाइलस की हेल्प से कर रहे होते हैं, या आप बिल्ट इन मिनी कीबोर्ड की हेल्प से जो है आप इनपुट कर रहे होते हैं स्मार्टफोन में। अब हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं स्मार्टफोन्स की, वो हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन की वो हमारे पास है आईफोन। अब हम थोड़े से फीचर्स को देख लेते हैं कि स्मार्टफोन की हेल्प से आप कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर वन, कैन कनेक्ट विद इंटरनेट, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को, या जो है आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद अदर डिवाइसेस और कंप्यूटर्स, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या GPS सर्विस जो है आप अपनी ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस देख सकते हैं इंटरनेट में, आप अपने स्मार्टफोन्स में जो है देख सकते हैं GPS सर्विस। उसके बाद जो हमारे पास अनदर टाइप है कंप्यूटर की वो है हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो हैं ये भी हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपका सिंगल यूजर
आपका जो सिंगल यूजर है, जो आपका एक यूजर है, वो एक टाइम पर इसको यूज कर रहा होता है हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स को। तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो स्पेशल आपका एक टास्क है या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं वो हमारे पास होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो है आपका एक्चुअली में जो है आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है आपका कंबाइन होता है एक ही डिवाइस में। और जो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं ये साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उनकी जो लिमिटेड जो है हार्डवेयर स्टोरेज होता है। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते बट इंडिविजुअल फंक्शंस को या स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो हमारे पास स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर्स की जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपके पास एटीएम मशीन। आपका जो एटीएम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है वो आपके पास हमारे पास एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। हमारे पास जो एटीएम होता है हमारे पास एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होती है। हमारे पास एक एम्बेडेड सिस्टम होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में। अब आपका ये जो एटीएम है ये वर्क किस तरह से कर रहा होता है कि आपका जो एटीएम है ये एक नेटवर्क के थ्रू जो है कनेक्ट होता है आपके बैंक से। अब आपका जो यूजर है वो जाकर जब एटीएम में कोई ट्रांजेक्शन करता है तो जब वो ट्रांजेक्शन करता है तो होता क्या है जो यूजर जो इनपुट कर रहा होता है वहां पर उसके अगेंस्ट जो है जो डेटा होता है आपका जो एटीएम मशीन होती है या जो आपका ये हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइस होती है ये क्या कर रही होती है ये कनेक्ट होती है इंटरनेट के थ्रू अपने बैंक के कंप्यूटर से और वहां से जो है आपके डेटा को वेरीफाइड कर रही होती है। डेटा वेरीफाइड करने के बाद जो है ये ट्रांजेक्शन को जो है वो प्रोसेस कर देती है। प्रोसेस करने के बाद जो है जो डेटा आपका वो प्रोसेस होता है वो अगेन उसका जो डेटा है उसको स्टोर करवा देता है आपके बैंक के कंप्यूटर में। अब आप देख सकते हैं कि जो एटीएम मशीन है आपकी ये सिर्फ इस स्पेसिफिक टास्क के लिए ही डिजाइन की गई है। इसमें ये जो है सिर्फ आपके पास ट्रांजेक्शन ही करेगी या उसको वेरिफिकेशन करेगी बैंक्स में से, इसके अलावा इसने और कोई काम नहीं करना। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो हमारे पास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। हमारे पास जो एम्बेडेड कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास डिजिटल कैमरास, मोबाइल फोन एंड म्यूजिक प्लेयर्स।